से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो डेफिनेटली ये आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हकायक इसमें इतनी है, सच्चाई इसमें इतनी है, मिठाई इसमें इतनी ज्यादा है कि इसमें झूठ को या इस किस्म की चीजों को डालकर हम अपने रिजक को मतलब नाजायज करने की, हराम हलाल हमने अपने हमारे अपने हाथ में। अगर हम सच्चाई से, सच्चाई इसमें इतनी ज्यादा है कि किसी किस्म की कोई झूठ को डालने का, पूरी सच्चाई हम नहीं बता सकते तो झूठ इसमें डालने की जरूरत नहीं है। बड़ी जान है हमारी प्रोडक्ट्स में, बोनस रेट में बहुत बड़ी जान है। तो ये किसी भी हम अपने मतवक्के क्लाइंट की को कन्वेंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जो रिटर्न 13% का आपने बताया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो क्या इस वक्त इस पूरी दुनिया में कहीं इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट, स्टेट लाइफ की मार्केटिंग फोर्स और ये सारे जितने भी इसका हिस्सा हैं वो मेहनत कर रहे हैं और ये अदारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, अपने क्लाइंट को हैंडसम रिटर्न दे रहा है। तो ये सब की मेहनतों, कावशों की बदौलत है। तो हम सबको चाहिए इसमें और ज्यादा दिलो जान से, और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा दयानतदारी से काम करें ताकि ये अदारा भी तरक्की करे, और इस अदारे की तरक्की होगी तो हम सब की तरक्की होगी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं या अपना मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहें करा सकते हैं। एनीबॉडी? सर, चौधरी तारक रावलपिंडी से। जी 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 तारक साहब, सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज ईद पे सबकी आपने मुलाकात करा दी जूम मीटिंग के जरिए, आमीन और आमीन। इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर शेयर की, और उससे बड़ी बात कि खालिद महमूद शाह साहब की आज जो बात होगी वो हमारे लिए काफी मोटिवेशन होगी, क्योंकि इन जो मौजूदा हालात हैं इन हालात में जबरदस्त, मैं बिल्कुल खालिद साहब एबटाबाद से जो बात की है कि इसमें कोई शक नहीं, हमारे जो कंपटीटर हैं कंपनीज वगैरह वो बैंक बैंक में सिर्फ जुबानी लोगों को एक आप ये समझ लें कि एक जैचा बताते हैं, एक फेक फिगर बता के अगर वो पॉलिसी सेल करते हैं 1 लाख रुपया प्रीमियम या 5 लाख या 10 लाख, तो हमारा तो रिटर्न ऑलरेडी हम आज से नहीं 72 से हम दे रहे हैं रिटर्न, और हमारा जो जो रिटर्न है वो इस करंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा है। और ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये सेटअप शुरू किया हुआ है, काफी टाइम से ये जब से कोरोना का सेटअप शुरू हुआ है उससे उससे इससे लोगों को, ज्यादातर हमारे जो लोग थे वो इसको फेक समझ रहे थे कि हम जो हम जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं हमें सीनियर नहीं बताया कि ये वैल्यू मिलेगी या ये वैल्यू मिलनी है, तो अब थारोली हम किसी की मचोटी की फाइल को नहीं पढ़ते थे। तो आपने ये जो कैलकुलेशन ये जो आप शेयर करनी शुरू की है यूट्यूब पे और मुख्तलिफ ग्रुपों में, तो ये यकीन जाने हम अपने साथियों को कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में इसको आप रखें और उसको ये प्रेजेंट करें वेरी गुड, कि हमारी जो मेच्योरिटी मेच्योरिटी वैल्यू जितने भी प्लान की हैं वो ये हम वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज के जो लोग थे बैंक से रिलेटेड या अदर वो यही कहते थे कि ये कहते हैं देते नहीं है, और अगर देते हैं तो मे भी एक बार किसी को दें ये बात बाद में ना मिले। तो ठीक ये बात, जो कैलकुलेशन है ये बहुत अच्छी लर्निंग है हमारे नए साथियों के लिए, हमारे कस्टमर के लिए बहुत बड़ी ये मोटिवेशन है कि वो जिंदाबाद, जिस अदारे में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिस जिस अदारे से वो अपने रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी साउंड फुटिंग में है, दे रहा है और मजीद देगा। तो वेरी गुड, माशाल्लाह ये जिंदाबाद, अभी जो गोल्डन प्लान है हमारा ये बहुत अच्छा प्लान है, अगर ये साथी इसको समझ जाए तो ये एक इनोवेशन है हमारे इस बिजनेस को बढ़ाने में, क्योंकि ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक, लोगों की डिमांड थी कि शॉर्ट टर्म के लिए ये प्लान कोई हो, तो हम दे सकते हैं, अब कह सकते हैं हमारे पास प्लान है। एक्सीलेंट, और वेरी गुड, दूसरा थैंक खालिद महमूद शाह साहब ने बहुत अच्छा ये हमारे CFO सॉरी हमारे DHP PHS और एक्चुअरी को साथ लेके, और ये उन्होंने रीजन वाइज जोन वाइज जो लेके गए हैं, तो वहां पे यू। मतलब ये बहुत बहुत बड़ी एक मोटिवेशन लोगों को मिली है कि इसमें
गोल्डन प्लान का जो मेजोरिटी है ये हम होप के ये इससे 03 प्लान से भी ज्यादा होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त है बहुत जबरदस्त थैंक यू वेरी मच तारे साहब इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा वेरी गुड और कोई कोई अपने कमेंट देना चाहता था फिर हम सर से सुने सर की बातें सुने एनीबॉडी अनम्यूट करके करिएगा अनम्यूट कर लीजिएगा ओके मैं अब चाहूंगा कि हमारे डुइनलैंड मार्केटिंग कलम शाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और तमाम मोटिवेशन जो है ना इंशाल्लाह डाउन द लाइन सर मैं भेजूंगा इसको तो आप थैंक यू वेरी मच सर ओवर टू यू सर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम तारिक साहब जोलैंड सियालकोट में तमाम अजीज साथियों और खालिद साहब जोलैंड एबटाबाद और मेरे तमाम सियालकोट के साथियों पेशावर के साथियों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू सबसे पहले तो ईद की सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सबको ईद की खुशियां नसीब करे और इस वक्त आप सारे के सारे साथी जितने मोटिवेटेड हैं और जिस चीज पे काम कर रहे हैं बात बोनस की थी तो ये कोई शक और शुबा नहीं है कि इतना शानदार प्रॉफिट का रेट अभी लोग बात कर रहे थे कि प्रॉफिट बड़ा बढ़ाया तो है लेकिन पर थाउजेंड क्यों नहीं बढ़ा नंबर ऑफ पॉलिसी जब बढ़ जाती है ना तो उसको उसी पे तकसीम होता है तो ये सिर्फ रिटेन नहीं हुआ बल्कि कुछ और भी चीजें इसमें कारफरमा होती है लेकिन इस वक्त देखिएगा कि इस वक्त भी जो बोनस का रेट है अल्हम्दुलिल्लाह ये हाईएस्ट इन पाकिस्तान है जितनी भी इन्वेस्टमेंट चल रही है इस वक्त दूसरी बात दोस्तों के इस वक्त कॉर्पोरेशन जितने मल्टीपल टास्क के ऊपर काम कर रही है अभी मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी कुछ कंपनी और भी आएंगी अभी इसको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं हेल्थ की प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं फील्ड के लिए अभी इसी तरह ये गोल्डन एंडोमेंट की बात भी देखे चेयरमैन साहब ने 20 लाख रुपए प्रीमियम लिया उससे हम ठीक है और उसका भी हो गया अपना फैसल मुमताज साहब ने भी ले ली अपनी पॉलिसी वो भी मैं आपको बुझवाऊंगा तो ये अभी जो 4 times की बात कर रहे हैं ये गोल्डन एंडोमेंट हम उस दिन बैठ के चेयरमैन साहब को ब्रीफ कर रहे हैं ये 5 times से ज्यादा मैच्योर हो गई ये पॉलिसी इसके लिए बोनस रेट अलग कर रहे हैं हम लोग इसको एनहांसमेंट ज्यादा करेंगे इसके ऊपर जब ये चेयरमैन साहब को मैं समझाने के लिए गया एक्चुअरी को साथ बुलाया कहते मुझे बताए पहले पॉलिसी उन्होंने खुद बनाई कहते मुझे बताए कितनी पॉलिसी मेरे लिए ठीक रहेगी तो 10 lakh से बढ़ाकर उनको फिर 20 lakh में लेके गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त चेक कटवाया हमसे और जो मैच्योरिटी के उनको कैलकुलेशन बताई थी हमने मोर देन 5 times जाएगी गोल्डन एंडोमेंट पॉलिसी जो है जबरदस्त तो मैंने 10% का वादा किया था वो भी कर दिया हमने ये पर्सनल पेंशन के ऊपर भी आपकी तमाम फैसिलिटीज में 10% 6% से बढ़ाकर 10% फैसिलिटीज और फिर अभी हेल्थ की प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अभी आने से पहले एक लेटर आपको भेजा था हेल्थ की प्रोडक्ट्स भी अभी आपको इंशाल्लाह ताला अभी कंपेन शुरू करने लगे हम इनकी वो भी मार्केटिंग के साथ ही बेचेंगे उसके ऊपर भी 10% प्रमोशन में उसको बेनिफिट मिलेगा एक्सेलेंट सर दोस्तों जी इस तरह से और भी अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं साथ साथ आपको मैंने बताया भी था अभी मैं ऐसे किया था कि और अच्छी चीजें चलेगी इस वक्त दोस्तों जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक बहुत बड़ी इस वक्त इस इदारे के इदारे और स्पेशली एरिया में जो क्लास के लिए इतनी बड़ी साजिश किसी ने की है कि इसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो फील्ड के साथ हुआ या एरिया में जो क्लास के साथ भी ऐसे ही करने लगे तो मेरी तमाम सेक्रेटरी साहब से जोलर साहब से गुजारिश होगी कि इन दोस्तों को समझाएं नादान दोस्त हैं ये इनको ये छोटी छोटी ऐसे ऐसे टचिंग पॉइंट दे के इनको उकसाया जा रहा है इंतहाई खतरनाक होगा ये इनके लिए ये सारे काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं ये शनाख्त क्या रातों रात इनको आ गई थी कि हमें शनाख्त करवाए हमारी सारी दुनिया को पता एरिया में जो क्लास का जो पैकेज है ये किसी के साथ मैच नहीं करता और अभी इसमें और बहुत सारे रिफॉर्म करने के लिए सबको पता है ये मैंने जगह जगह हर मीटिंग में ये बात कही है पहले फील्ड का स्ट्रक्चर होगा जो चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला ये आ जाएगा आपके पास ये हो जाएगा उसके बाद एरिया मैनेजर को बुलाना है ये दोस्तों मिलकर इन्होंने प्लान करके एरिया मैनेजर क्लास को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि इतना शानदार इनकी सारी चीजें क्यू में लगी हुई है सारी चीजें हो जाएंगी इनकी तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश होगी कि आप अपना रोल अदा करें कल और परसों में चेकों की इनकैशमेंट है पेड फॉर करना प्रीमियम इदारे को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ना लेकिन ये माइंड में रखें कि इन्होंने बहुत बड़ा कभी आज तक कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री में इस तरह से नहीं हुआ कि बिजनेस की 30 तारीख को स्ट्राइक की कॉल दे दें पर अब बच्चे हैं फिर भी इनको कुछ नहीं कह रहे कोई बात नहीं की हमने लेकिन इन दोस्तों को समझाएं ये आपका फर्ज बनता है कि ये बहुत ज्यादा गहरे खड्डे में डाल रहे हैं इनको ये बेचारों का सारा का सबका कैरियर खराब हो जाएगा ये इतना अच्छा काम हो रहा है सारी प्रमोशनें हो रही हैं कि कभी सोचा भी नहीं होगा कितने कितने काम हो रहे हैं इनके लिए
तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये नादान दोस्त है, इनको गलत चीजों पे चढ़ाया जा रहा है। अब ये करके एक साइड पे ये सॉरी भी कर रहे हैं, एक्सक्यूज भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं जी कि हमें बुला ले, हम बैठ के बात करना चाहते हैं, तो एक दूसरी साइड पे ये मैनेजमेंट के खिलाफ इस तरह बातें भी कर रहे हैं। तो ये दो चीजें पैरेलल नहीं चलती। तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप इनको भरपूर बेटा कोशिश करके समझाएं। मेरी दुआएं आप दोस्तों के साथ हैं, सारे हम लोग एक पिच के ऊपर हैं, इस इदारे के लिए काम कर रहे हैं, और जितनी मेहनत मेरा ख्याल इस चार महीनों में एरिया मैनेजर क्लास के लिए हुई है, किसी के लिए भी नहीं हुई। तो ये इनको गलत सम कर रहे हैं हम, कास्ट बचे, ये कास्ट बिल्कुल बचेगी, ये टाइम नहीं है, ये महीने के बाद होगा इनका पैक। ये जिस तरह मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना हमने। इस तरह से मेरी आपसे गुजारिश होगी इन चीजों को समझाएं, और स्पेशली सियालकोट से मुझे गिला है, ये बच्चे उनके बातों में आकर अपना बिजनेस और अपना कैरियर, ये 28 करोड़ कास्ट की बात कर रहे हैं, एक पैसा बचा सके या आज तक 28 करोड़ में से? अभी भी नुकसान होगा, किसका होगा? कास्ट तो फिर देनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कोर्ट में जाने, पैसे मांग रहे हैं लोगों से। अब ये कोर्ट में जाके आपको पता है सारी कोर्टों से फैसले आगे हुए, ये बैठ के टेबल पे सॉल्व होना। ये कोर्टों में गए तो ये जो आज फील्ड का जिस तरह परेशान है, ये फिर एरिया मैनेजर क्लास को परेशान करेंगे सारे के सारे। ये बातें आप इनको समझाएं, सीनियर आदमी, आपके हाथ से बच्चे पले हुए सारे, तो ये मेरा मैसेज दीजिएगा इनको, समझाएं कि इस तरह से ये गलत हाथों में जाकर गलत काम करके अपना, सिर्फ ये चंद लोग हैं, 8-9 लोग हैं जिनके ऊपर ये सारे एरिया मैनेजर क्लास को खराब करने की कोशिश है। ये बार बार 1300-1400 एरिया मैनेजर की बात करते हैं, सिर्फ 1120 एरिया मैनेजर हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जो और भी रिटायर होते जा रहे हैं, ये 1100 के गरीब रह जाने हैं पीछे। इन बंदों को समझाए ताकि ये गलत हाथों में जाके अपना कैरियर सारा तबाह कर लेंगे। ये कास्ट का आज का कोई मसला है? ये चीजें कोई डर के हमको कर रहे हैं? मैं तो खुद इसके लिए पास उठा रहा हूँ, आप सबको पता है। तो ये काम होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जब तक फील्ड का काम नहीं होगा, एरिया मैनेजर का अभी जितने काम हो गए हैं, करोड़ों रुपए के बेनिफिट अभी लेके दिए, और अभी करोड़ों रुपए पे काम हो रहा है अभी, ठीक है? तो एरिया मैनेजर और डिप्टी मैनेजर का डिफरेंस, अगर ये डिप्टी मैनेजर बनना चाहते हैं, स्टेटस लेना चाहते हैं, इनको बहुत सारी चीजें सरेंडर करनी पड़ेंगी। जो पैकेज इस वक्त एरिया मैनेजर क्लास को मिलता है, ये कॉर्पोरेशन में किसी को नहीं मिलता। तो ये इनको गलत ट्रैक पे चढ़ाकर ये बंदों को परेशान करेंगे, कैरियर खराब करेंगे। बस यही मैं एक मैसेज देना चाह रहा था, काइंडली इसके ऊपर दोस्तों को समझाएं और भरपूर मेहनत करें। इदारा है, काम है, तो सबका काम है। इदारा नहीं है, काम नहीं है, तो फिर ये किसकी शराब, कौन सी शराब से ढूंढ रहे हैं, किसको नहीं पता? मैं नहीं एरिया मैनेजर, आप नहीं एरिया मैनेजर, से यहीं से निकल के जाते हैं ना ऊपर। और ये पैकेज हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया है, ठीक है? तो इसलिए ये मिसलीड कर रहे हैं दोस्तों को, स्वीपर के साथ बुला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एरिया मैनेजर के मुकाबले कई लोग आपके नीचे का, ये स्वीपर के मुकाबले में अपने आप को समझते हैं आप लोग, ये बड़ी बुरी बात है। काइंडली इनकी बात समझाइए, यही मेरा मैसेज है आज का। तारक साहब को अल्लाह ताला और हिम्मत दे जी, तो यहाँ काम करने की जरूरत है, भरपूर सेक्टर साहब मिलके तारक साहब की सपोर्ट करके दोस्तों को समझाइएगा। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह ताला आपके साथ पूरा भरपूर इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे, और बिजनेस को आप फिट करने के लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जदाक।